सकते हैं कि अभी हमारी ट्रेन आ चुकी है और सीट भी हमारी है, कंफर्म है, विंडो साइड पे सीट मिली है। तो अब हम जाके सीट पे बैठते हैं, फिर वहाँ पे आपसे बात करते हैं। गाइस अब हमारी ट्रेन जो है नांदेड़ स्टेशन से निकल चुकी है। देखिए अभी नांदेड़ स्टेशन से बाहर निकल रही हमारी ट्रेन। गाइस अभी हम देखिए मुदखेड़ जंक्शन पहुंच चुके हैं। अभी एक स्टेशन सिर्फ पार किए हैं, देख सकते हैं यहाँ पे ट्रेन हमारी खड़ी है। देखिए ये वाली हमारी ट्रेन है। गाइस अभी जो है हम निज़ामाबाद रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी है, बस थोड़ी देर में फिर अभी हमारी गाड़ी यहाँ से रवाना होगी। देख सकते हैं यहाँ पे गाइस अब जो है हमारी ट्रेन निज़ामाबाद से रवाना हो चुकी है। देखिए आप
चुकी है, इसलिए कि हमारी गाड़ी जो है अभी हैदराबाद पहुंच चुकी है। अभी थोड़ी देर में हम भी उतरने वाले हैं और हैदराबाद में एक अच्छी घोड़ा स्टेशन है, हम वहीं पर उतरेंगे। फिर वहाँ उतरने के बाद में हम आपसे बात करते हैं। तो गाइस फाइनली जो है अभी मैं हैदराबाद पहुंच चुका हूँ। देखिए पीछे में रेलवे स्टेशन है और मैं रेलवे स्टेशन से बाहर भी निकल चुका हूँ। देख सकते हैं मैं आपको चारों तरफ दिखा देता हूँ। देखिए तो ये है हैदराबाद। और गाइस इस स्टेशन पे हमेशा भीड़ रहती है, लेकिन मैं अभी देखा कि भीड़ कुछ भी नहीं था, यानी पूरे स्टेशन खाली था। अभी लॉकडाउन के कारण अभी इस स्टेशन के अंदर हर वक्त 24 घंटा भीड़ रहती थी। अभी मैंने देखा कि उसमें कुछ भी भीड़ नहीं थी, पूरे रेलवे स्टेशन खाली। गाइस देख सकते हैं कि मैं अभी ऑटो पे बैठ के हूँ और मैं हैदराबाद पहुँच चुका हूँ। तो अभी वीडियो को यहीं पे अंत कर लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ठीक है। और दोस्त मैं अगर चार मीनार घूमने के लिए जाऊँगा तो चार मीनार का ब्लॉग भी एक लेके आऊँगा, और उस ब्लॉग को मैं अपने दूसरे चैनल पर डालूंगा। उस चैनल का नाम है मुनीर सिराज, उसी चैनल पे चार मीनार का ब्लॉग आएगा। अरे कितना पड़ाका बज रहा है इधर। तो उसी चैनल पे चार मीनार का ब्लॉग आएगा, तो आप लोग उस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है, ताकि मैं जब भी चार मीनार का ब्लॉग अपलोड करूँ उस चैनल पे तो आपको फौरन नोटिफिकेशन पहुँच जाए।